हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल सा लटकन बनाने का तरीका। इसे आप घर पे भी बना सकते हैं एंड इसे बनाने का तरीका बहुत ही इजी है। साथ ही आप अपने सूट या ब्लाउज़ को इससे डेकोरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने जो सूट स्टिच किया था उसका फैब्रिक बचा हुआ है, तो मैं उसी का लटकन बनाऊँगी। आप इस तरीके से कप या कटोरी को रख कर मार्क कर लेंगे आपको जितना बड़ा या छोटा लटकन चाहिए, और इसको आप कट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें टू सर्कल कट कर लेना है। देखिएगा, सर्कल को इक्वल ही कट करिएगा, बहुत ही इजी है और आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको बना भी पाएंगे। बिल्कुल भी आपको यहाँ पर मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने दोनों सर्कल कट कर लिए हैं और हम लटकन की डोरी अब बना लेते हैं। हमारी डोरी और सर्कल तैयार है। सर्कल को हम इस तरीके से रखेंगे और इसके चारों तरफ राउंड शेप करके हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम चारों तरफ लगाएंगे, लेकिन सिलाई लगाते वक्त हम इसको थोड़ा सा गैपिंग छोड़ देंगे इसमें, ताकि हम इसको इजीली तरीके से पलट सकें। ये देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ी सिलाई छोड़ना है। अब हम इसको ऐसे पलट देंगे। इस तरीके से हम सर्कल के कोनों को सही कर लेंगे और हमने जो थोड़ी सिलाई छोड़ी थी उसको भी हम अब सिलाई के लगा देंगे। चौक से इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ताकि हमको सिलाई करते वक्त आसानी हो। तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर पे हम एक छोटा सा कट लगा देंगे। ध्यान रखेंगे कट ज़्यादा बड़ा ना हो, और इस तरीके से हम इसमें डोरी लगाएंगे। अब हम इसे हल्का हल्का स्टिच कर लेंगे, ताकि हमारा डिज़ाइन बन जाए। हमने सर्कल पर जो चौक से निशान लगाया था, उसी निशान पर हम हल्की सिलाई करेंगे। इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएँगे। हम इस तरीके से कपड़ा लेंगे और इनके टेप से इसमें ऐसे निशान लगा देंगे। इसकी कटिंग हम ट्रायंगल शेप में करेंगे। अब हम इसको टू फोल्ड करके उसमें अब सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम तीनों साइड में लगाएंगे।
इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेना है। लटकन को इस तरीके से हम रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हम इसे नीचे की साइड पलट देंगे। इस तरीके से इसको टाइटली खींच देंगे। ये देखिए फ्लावर का डिज़ाइन बन गया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।